गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट में एडजेक्टिव के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ये फर्स्ट टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव का प्रकार एक तरह से फ्रेम किया गया है, बनाया गया है। आपने नाउन में पढ़ा कि प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन किसी पर्सन प्लेस थिंग का जो पर्टिकुलर नेम होता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, पर्टिकुलर नेम। जैसे इंडिया, जैसे राम मोहन, आगरा है ना, चाइना रसिया जापान, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं। अब प्रॉपर एडजेक्टिव भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये बनते प्रॉपर नाउन से ही हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन्स, जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे इंडिया का इंडियन, अब इंडियन जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। अमेरिका से अमेरिकन है ना, अमेरिका से अमेरिकन, इंडिया से इंडियन, चाइना से चाइनीज, शेक्सपियर से शेक्सपीरियन, एलिजाबेथ से एलिजाबेथन है ना। तो ये प्रॉपर क्या है, एडजेक्टिव हैं है ना। जैसे इटली से इटालियन, देखिए और जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। ये पहला एग्जांपल है, आई लिव इन जापान, मैं जापान में रहता हूँ। अब जो जापान वर्ड है ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। क्या है ये, प्रॉपर नाउन। अब हमने जापान से शब्द बनाया एंड आई लव जैपनीज फूड। अब जैपनीज जो वर्ड है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ऐसे चाइना से बनाया हमने, आई लाइक चाइनीज म्यूजिक, कैसा म्यूजिक है चाइनीज, तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। माई वाइफ लव्स इटालियन पिज्जा, तो इटालियन इटली से बना है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ऐसे वर्ड्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब दूसरा जो इसका टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा टाइप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, देखिए दूसरा टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। हिंदी में आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और वो उनकी क्वालिटी बताते हैं। उनकी क्या बताते हैं, क्वालिटी, उनको क्या करते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं वो। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इंग्लिश में बहुत सारे हैं, हज़ारों हैं, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स आर एडजेक्टिव, बहुत सारे हैं है ना। क्योंकि जो भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वर्ड, वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डेफिनेशन देखिए आप, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं डेट डिस्क्राइब, जो वर्णन करते हैं नाउन्स और प्रोनाउन्स, संज्ञा या सर्वनाम का। दे क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउन्स, वो नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनको क्वालिटी बताते हैं उनकी। ऐसे एडजेक्टिव इंग्लिश में बहुत सारे हैं, और सबसे ज़्यादा यूज यही होते हैं इंग्लिश में, कौन से, डिस्क्रिप्टिव। जैसे देखिए, आई हैव ए नाइस पेन, मेरे पास एक अच्छा पेन है, तो इसमें नाउन है पेन, और पेन की क्वालिटी क्या है, पेन कैसा है, अच्छा, तो जो नाइस वर्ड हो गया ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये पेन की क्वालिटी बता रहा है। ही इज ए क्लेवर बॉय, वह एक चालाक लड़का है, तो लड़का है जो नाउन है, क्या है, नाउन, और इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, क्लेवर, कि वो कैसा है, चतुर है, तो क्लेवर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्लेवर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इट इज ए बिग हाउस, इसमें नाउन क्या है, हाउस, उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा है घर, बिग है, बड़ा है, तो बिग वर्ड क्या हो गया,
एडजेक्टिव हो गया, कैसा, डिस्क्रिप्टिव। इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं, ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव भी कहलाता है। द गर्ल इज थिन, लड़की पतली है, तो थिन जो वर्ड है वो क्या है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, गर्ल की, ये एडजेक्टिव हो गया। और देखिए जैसे एक दो एग्जांपल और देखिए आप, जैसे मैं बोलूं आई बॉट एन एक्सपेंसिव रिंग, मैंने एक महंगी अंगूठी खरीदी, आई बॉट एन एक्सपेंसिव रिंग। अब देखिए इसमें पहले नाउन बताइए आप, नाउन क्या है, इसमें नाउन है रिंग, अंगूठी, कैसी है अंगूठी, महंगी, एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, थर्ड नंबर का जो एडजेक्टिव है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जो क्या बताए, मात्रा बताए, क्या बताए, क्वांटिटी बताए, मात्रा बताए। आप ऐसे एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हो क्वेश्चन पूछ करके, हाउ मच, मतलब ये वाले एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, दीज एडजेक्टिव आस्क द क्वेश्चन हाउ मच, ये लिख रखा मैंने हाउ मच। हाउ मच से आप पता लगा लोगे, हाउ मच क्वेश्चन कीजिए, कितना, मात्रा निकल के आएगी, तो जो मात्रा निकल के आएगी वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। देखिए अब आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट चल रहा होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, क्या है कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव बिल्कुल सेम है, डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव बिल्कुल क्या है, सेम है। देखिए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, इस बात पे गौर करना, पहले की अंग्रेजी में, पहले की ट्रेडिशनल ग्रामर में जो आर्टिकल्स थे, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थे, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव थे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव थे, है ना, न्यूमरल एडजेक्टिव थे, जो एडजेक्टिव पढ़ोगे आप, आगे और टाइप हैं बहुत सारे, न्यूमरल हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, है ना, इंटरोगेटिव हैं, आर्टिकल्स आपने पढ़ी लिए, तो इनका नाम अलग अलग था ट्रेडिशनल ग्रामर में, लेकिन आज की ग्रामर में इन सब का एक ही नाम कर दिया गया है, डिटरमिनर। क्या नाम कर दिया गया है, डिटरमिनर, है ना। तो जो आप ये पढ़ोगे ना, क्या आगे मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मतलब पढ़ रखे हैं आपने वो डिटरमिनर में, उनको पहले एडजेक्टिव कहते थे, आज डिटरमिनर कहते हैं, बस ये समझना है आपको, तो सेम यूज है, सेम उनका काम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। अब ये वाला जो आपने पढ़ा है, ये आपने उसमें पढ़ रखा है, किसमें, डिटरमिनर में। अब इनको डिटरमिनर कहते हैं आज की इंग्लिश में। देखिए और देखिए, अब एग्जांपल देखिए, जब आपको समझ में आएगा। देखिए आप एग्जांपल देखिए, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कितना समय, हाउ मच टाइम, कितना समय। देखिए मैंने बताया ना, हाउ मच से क्वेश्चन करना है, हाउ मच कितना समय, ज्यादा, तो ज्यादा वर्ड मच, ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ध्यान रखना, इसको डिटरमिनर कहते हैं आज की इंग्लिश की ग्रामर में, ध्यान रखना, लेकिन डिटरमिनर में हमने पढ़ा और अब हम इसको एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि डिटरमिनर में अलग यूज है, एडजेक्टिव में अलग यूज है, सेम यूज है दोनों का, बस नाम अलग अलग है, इसलिए है कि पहली की अंग्रेजी में इन्हें एडजेक्टिव कहते थे, आज की इंग्लिश में इन्हें डिटरमिनर कहते हैं, बस ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ये समझ लेना आप। लास्ट में मैं आपको एक साथ लिख करके बताऊंगा पूरा, ही हैज सफिशेंट मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त धन है, तो कितना धन है, पर्याप्त, सफिशेंट वर्ड है, जो क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। पीपल डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज, लोग आजकल पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, मिलती नहीं है मतलब उन्हें पर्याप्त एक्सरसाइज, तो कितनी एक्सरसाइज, इनफ, तो ये वर्ड है जो क्या हो गया, क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। जो मात्रा बताने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं।
और डिटरमिनर में आपने पढ़ा होगा क्वांटिफायर्स, वो हैं ये, क्या हैं? क्वांटिफायर्स। डिटरमिनर में इनको क्वांटिफायर्स कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आज की इंग्लिश में इन्हें डिटरमिनर कहते हैं, पहले इन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते थे। नंबर फोर है न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्या बताने वाले, संख्यावाचक विशेषण, मतलब हिंदी में बोले तो ये संख्या बताते हैं मात्र नहीं, और क्वेश्चन का जवाब देते हैं हाउ मैनी, जो गिनतियां होती हैं एक दो तीन ऐसे लेकर के आगे तक चले जाइए, ये सब क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। इनको आज की इंग्लिश में डिटरमिनर कहते हैं, न्यूमरल डिटरमिनर, डिटरमिनर का पार्ट है ये, बस पहले इनको एडजेक्टिव कहते थे। जैसे देखो देयर आर सेवन डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में सात दिन होते हैं, तो कितने दिन होते हैं? मैंने बताया ना हाउ मैनी, कितने दिन होते हैं? सेवन। तो जो सेवन वर्ड है वो क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव। देखिए और देखिए, जैसे मैं कहूं आई बॉट थ्री, आई बॉट थ्री शर्ट्स यस्टरडे, कल मैंने तीन शर्ट खरीदी, तो कितनी शर्ट्स खरीदी? तीन। तो थ्री जो वर्ड है वो क्या हो गया? क्या हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव, है ना। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए इससे पहले का जो टाइप पढ़ा था आपने नंबर फोर न्यूमरल, न्यूमरल में आपने डिटरमिनर में जाकर के डिटेल से पढ़ा है कि न्यूमरल दो तरह के होते थे, डेफिनेट इनडेफिनेट, है ना। डेफिनेट मतलब दो तरह के होते थे, ऑर्डिनल कार्डिनल, जैसे वन टू थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब पढ़ लिया आपने, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया वो, क्योंकि वो ही तो है, वो डिटरमिनर ही है वो। आज की इंग्लिश में डिटरमिनर कहते हैं, पहले एडजेक्टिव कहते थे। तो आप डिटरमिनर में पढ़ लीजिए उसको, वही बात है। अब ऐसे ही मैंने यहाँ बताए आपको। अब ये एडजेक्टिव के और प्रकार हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस डैट दीज दोज, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ईच एवरी इधर निधर, इंटरोगेटिव होते हैं वॉट विच हुज, और पजेसिव होते हैं माई आर योर हिज हर इट्स देयर। ये सारे डिटरमिनर भी थे, डिटरमिनर में जाकर के देखना आप, ये सारे डिटरमिनर थे। तो आज की इंग्लिश में इन्हें डिटरमिनर कहते हैं, पहले इनको इन नामों से जाना जाता था, आजकल इन सबको डिटरमिनर कहते हैं, इन सबको एक ही नाम दे दिया गया है डिटरमिनर्स। पहले इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब रही बात, ध्यान से सुनना बच्चों, समझने की बात है। अब क्या है कि जो ये नाम हैं, ये गौर करना इस नाम के ऊपर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरोगेटिव, ये प्रोनाउन भी होते हैं, ध्यान रख लेना। ये प्रोनाउन में पढ़े आपने, कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा, तो ये प्रोनाउन भी होते हैं और डिटरमिनर भी होते हैं, और फिर एडजेक्टिव भी लिख दिए। देखिए अब आपको थोड़ा समझने की जरूरत है यहां पर। डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, ये आपको पता है कि एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनाउन होते हैं और डिटरमिनर। पहले तो हम बात करते हैं एडजेक्टिव की और डिटरमिनर की, ध्यान से समझना। पहले इन दोनों का कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं आपका। होता क्या है कि पहले की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, पहले की इंग्लिश में इन्हें एडजेक्टिव कहते थे सबको, ये अलग अलग नाम थे, और आज की इंग्लिश में इन्हें डिटरमिनर कहते हैं। मतलब एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों क्या हुए? एक हुए, मैंने प्लस लगा दिया, एक ही बात हुई दोनों की, क्या हुई? एक ही बात। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, यही होते हैं दिस डैट दीज दोज, लेकिन डिफरेंस उनमें देख लेना।
अगर ये डिटरमिनर हैं, डिटरमिनर है मतलब एडजेक्टिव हैं, तो ये नाउन के साथ आएंगे, इनके बाद नाउन होगी। और अगर ये अकेले हैं तो समझ लो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो ये क्या है, प्रोनाउन। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, समझना। जैसे मैं कहूं दिस नाइफ इज वेरी शार्प, यह चाकू बड़ा धारदार है, बड़ा बारीक है, बड़ा पैना है। तो दिस जो वर्ड है वो क्या है, आपसे पूछे कि दिस क्या है। अब दिस डेट दीज दोज, ये चारों वर्ड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव, और क्या होते हैं एडजेक्टिव कह दो चाहे डिटरमिनर कह दो, वो तो एक ही बात हो गई ना, एडजेक्टिव कह दो चाहे डिटरमिनर। अब दिक्कत ये है कि प्रोनाउन है या डिटरमिनर है। अब इसको पता लगाने के लिए आपको देखना है कि अगर अकेला है या नाउन के साथ है। नाउन के साथ है तो डिटरमिनर है, और अकेला है तो क्या है, प्रोनाउन है। तो देखिए दिस किसके साथ आया, नाइफ के साथ, नाइफ नाउन होती है, तो ये क्या कहलाएगा यहां, डिटरमिनर। क्या कह दो इसको, डिटरमिनर, या डिटरमिनर मत कहो, और डिटरमिनर का दूसरा नाम हम इसको क्या दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह दो, चाहे क्या कह दो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह दो, एक ही बात है, प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ध्यान रखना। हाँ, अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उनको भी समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो थोड़ा ध्यान से समझे, समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा लेवल की बात है ये, है ना। अब अगर दिस और ये सारे डैट दीज दोज अकेले आएंगे तो फिर प्रोनाउन होंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ दिस इज ए वेरी शार्प नाइफ। अब दिस है जो देखिए आप अकेला रहा है, दिस के साथ इज 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 कोई नाउन नहीं होती, तो अकेला है, तो दिस यहां क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये समझने की बात है, ठीक है ना। एक और थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, चार होते हैं, ईच एवरी इधर निधर, और आप प्रोनाउन में पढ़े होंगे, प्रोनाउन में तीन ही होते हैं, प्रोनाउन में कौन कितने होते हैं, तीन, ईच और इधर निधर। एवरी है जो क्या नहीं होता, प्रोनाउन नहीं होता, एवरी क्या नहीं होता, प्रोनाउन नहीं होता है, तीन ही होते हैं, बाकी तो एज इट इज ही हैं, ये सारे क्या हैं, एज इट इज ही हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि समझने में कुछ हम कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, है ना। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव्स के जो ये पार्ट हैं, जो ये भाग हैं, इन्हें आज की इंग्लिश में डिटरमिनर ही कहते हैं, पहले की इंग्लिश में इन्हें एडजेक्टिव कहते थे, बस और कोई बात नहीं है। तो आपने डिटरमिनर पढ़ लिए तो समझो इनके यूज़ पढ़ लिए, ये आज डिटरमिनर ही कहलाते हैं। लेकिन बात क्या है कि हम अब एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये एडजेक्टिव में भी पढ़ने पड़ेंगे, बाकी हैं ये डिटरमिनर ही। थैंक यू।